गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैशबुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैशबुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैशबुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे। बैलेंस एज पर कैशबुक बैंक कॉलम, बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैशबुक एंड बीआरएस, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैशबुक। कैशबुक में एडजस्टमेंट करना मतलब एडजस्टेड या एमेंडेड कैशबुक बनाना है दलजीत सिंह जी का। और बैंक रिकॉन्सिलेशन 31 मार्च 2019, यहां देखिए कैशबुक का डेबिट बैलेंस दैट इज टू बैलेंस बीडी 12,000। चेक इशू हुआ था 23,000 का, उसमें से 11,000 का चेक अप्रैल में पहुंचा है। इसको बोल सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,000 बीआरएस में प्लस होगा। चेक डिपॉजिट हुआ था 9,900 का, 1,900 का चेक डिजोनर हो गया। कैशबुक का बाई में लिखेंगे चेक डिजोनर दैट इज एमेंडेड कैशबुक। अब 2,200 का चेक अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ तो इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, बीआरएस में माइनस होगा। ओके, बैंक चार्ज कैशबुक में दो बार लिख दिया बाई साइड में, एक बार टू साइड में लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस होता है, कैशबुक का बाई में लिखना चाहिए, वो टू में लिख दिया तो बाई में डबल अमाउंट कर देंगे 760। कैशबुक का पेमेंट साइड बाई साइड में 370 रुपया का कमी है तो कैशबुक का बाई में 370 लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 200, कैशबुक का टू साइड में होता है, गलती से बैंक कॉलम में लिखा गया 2,000 तो कैशबुक का बाई में ले जाएंगे। बिल डिस्काउंटेड डिजोनर हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड करना होगा, डिजोनर हमेशा बाई में रिकॉर्ड होता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले कैशबुक का डेबिट बैलेंस 12,000 तो कैशबुक में टू बैलेंस बीडी 12,000। ओके, उसके बाद चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड था, उसमें एक चेक डिजोनर भी था तो चेक डिजोनर बाई में आएगा, बाई डेटर अकाउंट, डेटर से चेक मिलता है तो डिजोनर डेटर के नाम से ही रिकॉर्ड कर देते हैं। वो चेक डिजोनर का अमाउंट था 1,900। क्लियर है। बैंक चार्जेज इस साइड में रिकॉर्ड होता है, दो बार रिकॉर्ड कर दिए हैं तो एक बार इस साइड में ले आएंगे, टू बैंक चार्ज अमाउंट 80 रुपया है। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इधर रिकॉर्ड होता है, गलती से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा गया इस साइड तो इस साइड में ले आएंगे, बाई इंटरेस्ट वो डबल अमाउंट कर देंगे आपका 380 प्लस 380 दैट इज 760। पेमेंट साइड कैशबुक का ये साइड अंडर कास्ट है तो इसी साइड में एरर बोल के लिख दिया जाएगा, वो अंडर कास्ट का अमाउंट है 370। डिस्काउंट अलाउड था 200 रुपया, बैंक कॉलम में लिखा गया कैशबुक का 2,000 तो इधर बाई डिस्काउंट 2,000। इसके अलावा डिस्काउंटेड बिल डिजोनर हुआ है 400 रुपया, बाई डेटर ये भी डिजोनर है डेटर के नाम से होगा 400 रुपया। तो यहां देखिए कैशबुक में टू साइड में सिर्फ एक एंट्री आया, सारा एंट्री बाई में चला गया तो कैशबुक में हम लोग बाई साइड में एंट्री डाल दिए, ये साइड हुआ 12,080 माइनस करेंगे 12,080 से आपका माइनस होगा 1,900 760 370
2400। आंसर इज 6650। यहां ले लेते हैं बाई बैलेंस सीडी 6650। यहां ले आते हैं टू बैलेंस बीडी 6650। ओके, अब इसको लेकर चले आएंगे बीआरएस में, बैलेंस एज पर एमेंडेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एमेंडेड कैश बुक पॉजिटिव है, डेबिट है 6650। एडजस्टमेंट फॉर क्या क्या एडजस्टमेंट था, तो एक चेक इशू था जिसमें से 11,000 का चेक अप्रैल में पहुंचा था, तो उसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो पॉजिटिव हो जाएगा। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, अब उसको प्लस कर देंगे 11,000। चेक डिपॉजिटेड था बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, 2200 रुपया है। चेक डिपॉजिट करने से कैशबुक प्लस हो जाता है, अब उसको माइनस कर देंगे, इसका टोटल हो गया 17650। ये हो गया 2200 450 15। ठीक है, इसका नाम देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, अब पॉजिटिव आया इसलिए क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैशबुक बना लेंगे, कैशबुक में टू बाई एंट्री डाल देंगे, कैशबुक का बैलेंस आ जाएगा एमेंडेड कैशबुक। उसके बाद हम लोग बीआरएस में चले आएंगे, बीआरएस में प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ऑन 31 दिसंबर 2016 द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक ऑफ प्रीतम सो ए डेबिट बैलेंस, बैंक में डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 9220। एग्जामिनेशन से कुछ पता चला, यहाँ देखिए चेक अमाउंटिंग टू 12600 इश्यू किया गया था, इंटर्ड इन द कैशबुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बीआरएस में जाएगा, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होगा। ये देखिए चेक अमाउंटिंग टू 5000 इंटर्ड इन द कैशबुक एज सेंट टू द बैंक, ये बैंक में चेक जमा हुआ बट नॉट इंटर्ड इन द कैशबुक, ये हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, बीआरएस में माइनस होगा। ये देखिए चेक फ्रॉम ए डेटर 1460 हैज बीन डिजोनर, चेक डिजोनर कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे बाई चेक डिजोनर दैट इज बाई डेटर, ये एमेंडेड कैशबुक में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड है 760, कैशबुक में एंट्री नहीं है, कैशबुक में ये एंट्री टू डिविडेंड रिसीव्ड आएगा। बैंक चार्ज इंटरेस्ट 84 रुपीज, ये कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैशबुक में इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में बाई इंटरेस्ट आएगा। देयर वॉज नो एंट्री इन कैशबुक फॉर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पेड बाई बैंक, बैंक हमारे बिहाफ में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया है जिसका एंट्री कैशबुक में नहीं है, ये कैशबुक का बाई में आएगा, क्लब मेंबरशिप। बैंक चार्जेस 20 रुपया नॉट इंटर्ड इन द कैशबुक ट्वाइस, बैंक चार्ज कैशबुक का बाई में आता है और दो बार रिकॉर्ड हो गया तो एक बार टू में आ जाएगा। 540 रुपया का चेक ड्रॉ किए थे हैज बीन चार्ज टू प्रीतम्स अकाउंट इन एरर, ए चेक ऑफ 540 ड्रॉन बाई कासिंग, कासिंग नाम का कोई व्यक्ति चेक ड्रॉ किया था, बैंक गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये पासबुक का भूल है, रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, ये बीआरएस में आएगा। यहां देखिए कैशबुक बना लेना है, उसके बाद बीआरएस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, सबसे पहले कैशबुक का बैलेंस देते हैं 9220 दैट इज टू बैलेंस बीडी 9220। पहला ट्रांजेक्शन था चेक इशू, दूसरा था चेक डिपॉजिटेड, ये दोनों बीआरएस में जाएगा, चेक डिजोनर है 1460 कैशबुक में आएगा, बाई डेटर चेक डिजोनर कैशबुक का बाई में रिकॉर्ड किया जाता है 1460। डिविडेंड रिसीव्ड है टू में आएगा, टू डिविडेंड रिसीव्ड 760 इनकम है,
कैश बुक का टू में आएगा बाई इंटरेस्ट, बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, कैश बुक में लिखेंगे एक्सपेंस है, बाई की तरफ आएगा, दैट इज 84। क्लब मेंबरशिप पेमेंट किया है बैंक, बाई मेंबरशिप, बाई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ये पेमेंट कर दिया है बैंक, कैश बुक में लाएंगे, बाई साइड में लाएंगे, बाई सब्सक्रिप्शन था 20 रुपीज। बैंक चार्ज कैशबुक में इधर दो बार लिखा गया है, एक बार इधर ले आएंगे, टू बैंक चार्ज का अमाउंट था आपका 20, ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, BRS का चीज है, बस इसका यहां पर फिलहाल काम हो गया, बैलेंस कर देते हैं, ये टोटल हो गया आपका 10,000, ये हो गया 10,000, 10,000 में से माइनस करते हैं, 10,000 माइनस 1460 माइनस 104, रिजल्ट आ गया 8436। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD 8436, ये आ जाएगा टू बैलेंस BD 8436। ये हो गया हम लोग का कैशबुक का बैलेंस, अब इसको BRS में ले आएंगे, ये रहा आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैलेंस एज पर एमेंडेड कैशबुक, और चूंकि पॉजिटिव है डेबिट लिख देंगे 8436, एडजस्टमेंट फॉर में देखते हैं क्या आएगा, तो पहले था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12600, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, प्लस कर देंगे 12600। उसके बाद था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक जमा करने से कैशबुक प्लस हो जाता है, माइनस कर देंगे 5000। अच्छा, एक लास्ट में था बैंक दूसरे का चेक हमने से डेबिट कर दिया है, रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, बैंक गलती से हमको माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे 540। अब ये प्लस माइनस का आंसर ले लेंगे 0361 0365540, आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस वाला बेसी आएगा इसलिए क्रेडिट 21036 माइनस 5540, रिजल्ट विल बी 15496। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन, पहले कैशबुक बना दिए, जो ट्रांजेक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है या रॉन्गली रिकॉर्डेड है उसको रेक्टिफाई कर देंगे, बैलेंस से BRS बनाएंगे, ओके। वीडियो को आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।